नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, पंजाब जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो चुकी है और इसकी पूरी डिटेल और इस मोबाइल से पोस्ट किमें अप्लाई करनी है इस रिलेटड मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो के एंड में तुम्हें वो वीडियोज़ मिल जाएगी, उत्थे जाके तुम चैक कर सकते हो। इस वीडियो में आप मेरे को काफ़ी सवाल आ रहे थे इंस्टाग्राम के अते कमेंटा विच काफ़ी सवाल कैंडीडेट पूछ रहे सन कि चोन प्रक्रिया की होगी, मतलब सिलेक्शन प्रोसैस की रहेगा इस पोस्ट का। हुण इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में की लिखा है एक बार तुसीं ध्यान नाल इसनूं समझ लो और फिर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिओ। तो सब तो पहला पॉइंट नंबर एक की गल करिए दोस्तों, जिहड़े भी ये असामियां कढ़ी गईआं ने ते इन्हां वास्ते जिहड़े उम्मीदवार सिलेक्ट किए जाणगे वह ऑब्जैक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ लिखती पेपर के अकॉर्डिंग जिहड़ी सिलेक्शन होवेगी, मतलब जिहड़ा लिखती पेपर होवेगा उस विचों प्राप्त अंक के आधार पर ही एक मैरिट सूची तैयार की जाएगी। इस लिखती पेपर विचों घट्टो घट 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं, जिवें 100 नंबर का पेपर होगा घट्टो घट्ट तुहानू 40 नंबर प्राप्त करने ने। जे 40 नंबर तुसीं प्राप्त कर लेने हो तो इस एग्जाम विचों पास मने जाओगे एंड जे 40% तो घट्ट तुहाडे नंबर बनते हैं तो तुसीं उत्थे ही रिजैक्ट कर दिते जाओगे, ना फिजिकल फिटनेस टैसट वास्ते बुलाए जाओगे ना अगे का प्रोसैस करन वास्ते तुहानू सद्या जाएगा। हुण जिहड़ा यह लिखती पेपर होवेगा जे इस विच 2 या 3 4 जिन्ने भी कैंडीडेट दे नंबर जिहड़े बराबर होणगे, मतलब 100 विचों जे 10 कैंडीडेटां दे 42 42 नंबर या 44 44 नंबर ने, मतलब 10 कैंडीडेटां दे नंबर सेम ने प्राप्त होए ने इस एग्जाम विचों, तां इस कंडीशन विच जन्म मिति ते विचारिया जाएगा, मतलब जिस दी वध उम्र होवेगी उस नूं पास मन्निया जाएगा, जिस दी घट उम्र होवेगी उह फेल कर दिता जाएगा। हुण तुहानूं इक एग्जाम्पल दे थ्रू समझा दिंदा, दो बंदे कोई दो फ्रेंड ला लो, दोनों के नंबर आप 44 44 इस एग्जाम मिल गए, तो जोड़ा फस्ट बंदा है उसके जी उम्र है वह 26 साल का, जो सैकेंड बंदा है वह 25 साल का। इस कंडीशन जो 26 साल का कैंडीडेट है उसनों पास मनिया जाएगा, तो 25 साल का कैंडीडेट है जो उसको फेल कर दिया जाएगा। इन्होंने की लिखा है जे मान लो हूँ दो कैंडीडेट ने 26 26 साल ने तो दोनों के नंबर 44 44 ही बन गए, तो विद्यक योग्यता के प्रतिशत विचारिया जाएगा, मतलब कि जे 26 26 साल के दो कैंडीडेट ने तो उन्होंने नंबर दोनों के 44 44 बनते हैं, तो उन्होंने सर्टिफिकेट 10th का या 12th का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जिसके 10th या 12th ज़्यादा नंबर हो गए ज़्यादा परसेंटेज हो गए उसमें इस एग्जाम पास मनिया जाएगा, तो घट परसेंटेज वाले फेल कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, ये इन्हों का सिलेक्शन प्रोसैस, उम्मीद है तुम्हें समझ से आ गया होगा। सिलेबस की गल कर लीजिए, नीचे इन्होंने सिलेबस बारे में कुछ लिखा हुआ है आप चैक कर लीजिए, तो सिलेबस बारे इन्होंने लिखा हुआ है कि लिखती पेपर में जो भी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहेगा वह बाद बोर्ड की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों तुम्हें बाद की वेट नहीं करनी है एग्जाम का, तुम सिलेबस मैं दस देना 70% सिलेबस जोड़ा यही रहे। देखो मैथ इंग्लिश रीजनिंग ये नॉर्मल सबजैक्ट होंगे पंजाब का, जोड़ा भी तुम एग्जाम दोगे उस तीनों सिलेबस रिलेटड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। इस तों इलावा जनरल नॉलेज एंड पंजाब का एग्जाम दे रहे हैं तो पंजाब की GK भी काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाती है, तो 70% जोड़े क्वेश्चन आवगे एग्जाम इस सिलेबस में आएगा। इस दे नाल की करना तुसी करंट अफेयर की तैयारी करनी है, तो पिछले 2 साल की जी करंट अफेयर है उस रिलेटड यूट्यूब पर क्लासेस ले लो, तो बुक कोई खरीदने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर वास्ते क्योंकि यह चेंज होती रहती है, सिर्फ यूट्यूब तो क्लासेस ले सकते हो। तो बेस्ट चैनल केड़ा है करंट अफेयर वास्ते वह मैं इस इंस्टाग्राम से फॉलो करके मेरे नाल गल करके मैं तो पूछ सकता। हुण यह सिलेबस किहड़ी बुक विचों आपां कवर करना है तो बेस्ट बुक की गल करिए दोस्तों, उन्हां बेस्ट बुक के लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए ने, उत्थे जाके ऑनलाइन तुसीं ऑर्डर कर लो, शायद यह बुक स्टोर तो बुक्स ना मिलन तो अमेजॉन से तुसीं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो एंड कैश ऑन डिलीवरी इस पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद है तुहानूं गल समझ आ गई होगी, जे कोई होर सवाल तुहाडे मन में है तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इसे मैं फॉलो करके मेरे तो पूछ सकते हो। बाकी जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब भी कर लिया करो, तो वीडियो में लाइक भी कर लिया करो, तो एक प्यारा जहा कमेंट भी कर दिया करो।